ये नथिंग का कोई भी स्मार्टफोन हमने इससे पहले यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे नथिंग फोन 2A को यूज किए, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना खास करके यूआई को लेके वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। तो ये वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ना नथिंग फोन 2A, इसको 48 आवर से हम यूज करें। अब देखिए बोलने में अच्छा लगता है इसलिए हम बोलते हैं कि 48 आवर से यूज कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से हम ये स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं मेरे भाई। तो सारा कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, बस आपसे ही रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आई नो आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, समझ रहे ना, समझिएगा तो हमको भी समझिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है कि इसके बिल्ड के बारे में बातचीत करना इंपॉर्टेंट है। ये जो स्मार्टफोन है इसका खेला करने का तरीका यही है कि भाई ये ट्रांसपेरेंट लुक के साथ आता है, तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट लुक दिखाना है पब्लिक को तो ब्लैक वाले की तरफ मत जाइएगा, क्या कि ब्लैक वाले में उतना अच्छा से नहीं दिख पाता। व्हाइट वाला अगर आप लेते हो वहां पर पूरा का पूरा जो पैनल है वो आपको अच्छे से दिखेगा बैक साइड का। लेकिन हाँ मैं आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको ब्लैक फोन पसंद है, ब्लैक के शौकीन है, तो भाई ये डीप ब्लैक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जो डिजाइन है। अब अगर देखोगे ध्यान से तो धूप वगैरह में आपको दिख जाता है, उनका बॉडी है वो पूरा का पूरा प्लास्टिक के साथ आता है। ये जो बैक का पैनल भी आप देख रहे हो ये आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा, नथिंग फोन 1 में और 2 में आपको ग्लास का मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको प्लास्टिक का मिलेगा। और जो फ्रेम वगैरह भी यहाँ पे जो दिया गया है वो भी आपको यहाँ पे मेटल का नहीं मिलने वाला, तो ये थोड़ा सा दुखदायक वाला बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का हाथ में फील नहीं होता। लेकिन हाँ लोग ये स्मार्टफोन को अगर देखते हैं तो कैमरा का जो डिजाइन है, जो कैमरा का जो बम दिया गया थोड़ा सा यूनिक टाइप का दिया गया, ऐसा लगता है कि अखिया से देख रहा है। तो ये जो स्मार्टफोन है ना थोड़ा सा अटेंशन ये जरूर ग्रैब करता है, लोग आपसे पूछेंगे कौन सा स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो, खास करके अगर आप व्हाइट वाला अगर लेते हो। बाकी ये स्मार्टफोन का वेट ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का से स्मार्टफोन है, राउंड टाइप का यहाँ पे कॉर्नर स्वेयर आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा फ्लैट डिस्प्ले वाला यहाँ पे डिजाइन दिया गया, कर्व डिस्प्ले यहाँ पे यूज नहीं किया गया, ठीक है जी। इस बार का लुक बहुत ही ज्यादा फ्रेश, बहुत ही ज्यादा मिनिमलिस्टिक और बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। ये क्लियर कट आंसर मैं आपको दे देता हूँ, चाहे आप व्हाइट वाला लीजिए चाहे ब्लैक वाला लीजिए, देखने में ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ये स्मार्टफोन में अगर आप कवर लगा दीजिएगा तो सुंदरता कहाँ जाएगा वो हमको आपको बताने का जरूरत नहीं है, इसलिए सुंदरता पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि सुंदरता हमेशा डुबाता है। बाकी मार्केट में हम गए थे तो एक नॉर्मल सा हमको ये वाला भी कवर अवेलेबल हुआ था, तो ये कवर लगा के आप इसको कुछ इस टाइप का दिखेगा वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए इस टाइप का दिखेगा, ग्लिफ लाइट जो है यहाँ पे आपका इजिली जो है यहाँ पे दिख जाता है। देखिए जहां तक बात है ग्लिफ इंटरफेस के बारे में, ये जो बतिया दिया गया है पहले के कंपेरिजन में, अगर आप इसको कंपेरिजन करते हैं नथिंग फोन 1 या फिर नथिंग फोन 2 के हिसाब से, तो हमको ये जो ग्लिफ लाइट दिया गया है ना खास करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमलिस्टिक टाइप का डिजाइन लग रहा है, बहुत ज्यादा लाइट वगैरह इसमें नहीं दिया गया है कि एकदम लेंदी कर दिया गया, क्योंकि नथिंग फोन 1 और 2 में बहुत ज्यादा लाइट देके ना हमको उसका डिजाइन उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। लेकिन इस बार का जो डिजाइन दिया गया है खास करके ग्लिफ इंटरफेस जो यहाँ पे आपको मिल जाता है वो एकदम सही जगह बैठाया गया है और एकदम मिनिमल टाइप का दिया गया है, यानी कि ज्यादा लाइटिंग नहीं है। और बाकी ग्लिफ इंटरफेस में जो फीचर्स वगैरह होते हैं यानी कि वॉल्यूम को अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे लाइट शो होना चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते। और मान लीजिए ग्लिफ लाइट को आपको यूज ही नहीं करना, तो यहीं पर नोटिफिकेशन बार में आप देख सकते हो कि ग्लिफ लाइट का एक बटन दिया गया, इसको अगर आप ऑफ कर दोगे ना तो कहीं पे भी जो है ग्लिफ लाइट यूज ही नहीं होगा, अगर आप इसको ऑन रखते हो तभी जो है ग्लिफ लाइट यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। बाकी ग्लिफ इंटरफेस में जैसे आप अंदर घुसोगे तो वहां पे आप रिंगटोन वगैरह लगा सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह है, फ्लिप टू ग्लिफ है, ये सारे बाय डिफॉल्ट जो है ऑफ ही रहता है, लेकिन इसको आपको जाके बाद में इनेबल जब आप कीजिएगा तो ग्लिफ लाइट आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। कंपोजर वगैरह भी दिया गया, मान लीजिए अगर आपको अपना रिंगटोन वगैरह बनाना है ना तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और मिलता आपको क्या नहीं है वो भी हम आपको यहाँ बताते हैं कि नथिंग फोन 1 और 2 में जब आप फोन को चार्ज करते थे तो यहाँ पे ग्लिफ लाइट जलता था, इंडिकेटर देता था, लेकिन इस बार चार्ज जब आप कीजिएगा तो वो इंडिकेटर हटा दिया गया। और साथ ही साथ जब आप वीडियो रिकॉर्ड भी करते थे तो एक लाल रंग का यहाँ पे बतिया जलता था, तो वो बतिया को भी यहाँ पे हटा दिया गया। बाकी इसमें ग्लिफ प्रोग्रेस भी दिया गया है, यानी कि अगर आप जोमेटो से ऑर्डर वगैरह करते हो तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी शो हो जाएगा, और यूबर से भी अगर आप बुक करोगे कैब वगैरह तो वो भी यहाँ पे शो होता है। अभी यही दोनों एप्लीकेशन के साथ सिर्फ इंटीग्रेट किया गया है, बाकी और भी आगे आ जाए तो आ जाए वो भी पता नहीं। बहुत सारे कस्टमाइजेशन इसके ग्लिफ इंटरफेस में दिया गया, तो जरूर से एक बार छिड़काने कीजिएगा ना तबे समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें इसके अखियों के बारे में बोले तो इसके कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा वाला सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आपको ईएस और ओएस का सपोर्ट दिया गया, लेकिन यहाँ पे सेंसर कौन सा यूज किया गया है वो इनके वेबसाइट में कहीं पे भी मेंशन नहीं। तो अगर आपको पता है कि इसमें सेंसर कौन सा डाला गया है तो जरूर से हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर यहाँ पे दिया गया है। सामने की तरफ जो कैमरा यहाँ पे है यानी कि जो सेल्फी वाला कैमरा है आपको 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाता है।
डायनामिक 615 वाला सेंसर यहाँ पे यूज किया गया सोनी का। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कट आंसर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि ये स्मार्टफोन को जब हम यूज किए ना, 24,000 रुपए के हिसाब से अगर आप इसका फ्रंट कैमरा देखते हो, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला का है कि जो ऑप्टिमाइजेशन किया गया ना इसका फ्रंट कैमरा में, खास करके हम बता रहे हैं। रियर कैमरा पे भी अभी हम आएंगे, लेकिन फ्रंट कैमरा की जहां तक बात है खास करके वीडियो में, तो हमको तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। खास करके जो स्किन टोन वगैरह को मैनेज कर रहा है ना, जो डायनेमिक रेंज वगैरह निकल के आ रहा है वो टॉप क्लास का निकल के आ रहा है। अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो वगैरह बहुत ज्यादा शूट वगैरह करते हो ना, तो मेरे हिसाब से 24,000 रुपए के हिसाब से भी इसका जो कैमरा है ना, फ्रंट कैमरा, आप इसको फुल मार्क्स दे सकते हो। अब देखिए, मैं आपको कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं इसको बाहर में भी चेक किया था, मैं इसको रात में भी चेक किया था, और मैं इस टाइप का जो स्टूडियो अगर आपके पास है तो इस टाइप से भी यहाँ पे चेक किए हैं। ई वाला जो वीडियो भी आप देख रहे हो, ये मैं स्टूडियो में बैठ के ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्किन टोन है वो कितने अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर रहा है। आप यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो, दाढ़ी मूंछ भी देख सकते हो, और जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ये भी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर रहा है। बेसिकली जो एक्सपोजर है, जो लाइट है, वो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा है। बस एक छोटी सी कमी हमको ये लगा इसका फ्रंट कैमरा में कि बहुत ही ज्यादा क्रॉप कर देता। देखिए, ये स्मार्टफोन को हमने इतना डिस्टेंस में रखा है, यहाँ पे फिर भी जो है मेरा धड़ है वो यहाँ पे काट दिया था। थोड़ा सा वाइड अगर होता ना तो और भी ज्यादा मजा आया था। बाकी वीडियो के मामले में फ्रंट कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप सैंपल यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने, 2-3 सैंपल हमने आपको और भी दिखा दिया। और जहां तक बात है सेल्फी फोटोज वगैरह के बारे में, तो फ्रंट कैमरा से फोटोज वगैरह भी काफी अच्छा आ जाता है। रियर कैमरा की जहां तक बात है, सेंसर नहीं बताया गया, मैंने बहुत तरह के फोटोज वगैरह यहाँ पे क्लिक किया। आगे कैमरा टेस्ट भी इसका करूंगा, बाहर में निकल करूंगा। आपको तो पता ही कि कैमरा टेस्ट मैं किस तरह से करता हूँ, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीक में करता हूँ, थोड़ा सा समय जरूर लेता हूँ, लेकिन सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर देते। बाकी जहां तक बात है फोटोग्राफी के मामले में, खास करके रियर कैमरा के साइड से, पोर्ट्रेट के मामले में बहुत ही ज्यादा लुल कैमरा है। एज डिटेक्शन हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। खास करके जितना अच्छा इसका फ्रंट कैमरा है ना, एक्सपोजर को मैनेज करने में, लाइट को मैनेज करने में, उतना ही ज्यादा स्ट्रगल करता है इसका रियर कैमरा लाइट को मैनेज करने में। आप देखिए, ये वाला जो मैं वीडियो कर रहा हूँ और ये कुछ फोटोज वगैरह भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट को अच्छे से मैनेज नहीं किया है। बाकी इसको थोड़ा सा अपडेट से सुधारा जरूर जा सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा बेकार है। रियर कैमरा भी अच्छा है, लेकिन हाँ, एक होता ना कि फ्रंट कैमरा के कंपैरिजन में हमको लगा कि हाँ, रियर कैमरा थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। इस स्मार्टफोन की सबसे अच्छी जो चीज लगी वो है परफॉर्मेंस वाला पार्ट। ये डे टू डे वाला जो भी तरह का काम धंधा होता है वो तो आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप गेमिंग वगैरह इसमें करना चाहते हो तो गेमिंग भी कर सकते हो। इसमें देखिए, हमने कितने तरीके यहाँ पे गेम्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा, और सारा गेम्स इसमें हमने 1x1 प्ले करके भी देखा। तो यहाँ पे हमने यही चीज नोटिस किया कि इस प्राइस रेंज में अगर आप इसमें 1-1.5 घंटा गेमिंग भी करते हो ना, तो ये हीट बिल्कुल भी नहीं करता। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो प्रोसेसर है ना, वो यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको उसका डिटेल में गेमिंग टेस्ट वगैरह भी चाहिए ना, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वो भी हम आपको बना के दे देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर गेमिंग के बारे में सिर्फ चर्चा करें तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, नॉर्मल गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था, ग्राफ एकदम हर्रा हर्रा था, और कोई भी तरह का हीटिंग इशू हमको इसमें देखने को नहीं मिला। जहां तक बात है अंतुतु स्कोर के बारे में, तो यहाँ पे हमने 2-3 बार यहाँ पे स्कोर को रन करके देखा था, तो लगभग 661,000 का यहाँ पे स्कोरिंग निकाल के दे दे। लेकिन हाँ, नंबर पे बिल्कुल भी मजे है कि नंबर के हिसाब से यहाँ पे खेला नहीं होता। जहां तक बात है प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर तो हमने आपको बताया ही नहीं, इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता, प्रो चिपसेट ऐसा कंपनी ने बताया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कंपनी ने एक चीज यहाँ पे छुपा लिया है कि भाई इसमें कौन सा स्टोरेज टाइप दिया गया है और कौन सा रैम टाइप दिया गया, ये यहाँ पे कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम हम इसका यूआई को यूज कर रहे हैं, इसमें जो यूआई दिया गया नथिंग ओएस का 2.5 वाला दिया गया, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। इसमें जो यूआई को लेके जो ऑप्टिमाइजेशन किया गया ना, जो यूजर को जो एक्सपीरियंस है ना, वो लमसम में आपको गूगल के जो पिक्सल के जो डिवाइसेस आते हैं ना, लगभग आपको उस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि वो कहीं पे भी जो लैग, जिटरनेस, या फिर एक होता ना कि एडवर्टीजमेंट वगैरह आ जा रहा है, ऐसा कोई भी तरह का एड्स या फिर ब्लोटवेयर वगैरह होता है, वो कोई भी सारी चीजें हमको इसमें देखने को नहीं मिला। और साथ ही साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी इसके यूआई में दिया गया, एनिमेशन वगैरह है, जो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देता है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप स्मार्टफोन को लॉक करोगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि जहां से लॉक करें ना, वहीं से एनिमेशन निकल रहा है। साथ ही साथ जो फिंगरप्रिंट का एनिमेशन है, या फिर वॉल्यूम को अप एंड डाउन करते तो वहां पर डॉटेड वाला डिजाइन आता है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जब आप ये स्मार्टफोन को चलाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, इसके यूआई में जो है थोड़ा सा ध्यान से इम्प्लीमेंटेशन तो किया गया है। तो नथिंग का जो यूआई है ना, वो सच में बता रहे हैं, हमको तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो इसके यूआई को लेके एक डिटेल वीडियो भी हम लाएंगे, अगर आप लोग का डिमांड रहा तो। इस वीडियो को अगर आप लोग 1000 लाइक पहुंचा देते हैं तो जरूर से भाई बना के दे देंगे। अब एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है, ये हमने खुद के पैसों से परचेस किया। यूट्यूब का जो इनकम आया था वो हमने इस फोन में लगा दिया, कहे कि आप लोग यहाँ पे डिमांड करें। ये जो स्मार्टफोन है ये हमने एक्सचेंज कर लगभग मैं 18 या 19 हजार में लिया, तो उस हिसाब से ये डील बुरी नहीं है। बाकी ये स्मार्ट
स्मार्टफोन का फेयर प्राइस क्या है वो भी कंक्लूजन वाले पार्ट में हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिए, और यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा ना, तो एगो और फोन परचेस करके रिव्यू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी की ज्यादा बात है तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, बाकी अडेप्टर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से ही परचेस करना पड़ेगा। तो बैटरी के मामले में नथिंग फोन 2A को हमको नहीं लगता कि कोई इसको बीट कर पाएगा। इसका जो बैटरी बैकअप है ना, एक दिन से ज्यादा हार्ड कोर यूजर भी अगर आप हो ना तो आराम से खींच के निकाल के दे देगा। अगर आप नॉर्मल यूजर हो, ज्यादा फोन को यूज नहीं करते हो, तो लमसम में 2 दिन तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ 1.5 दिन से ये ज्यादा जरूर चल जाएगा। कि ये स्मार्टफोन का अभी तक हमने जितना भी यूज किया ना, बैटरी बैकअप को लेके हमको कोई भी तरह का इशू देखने को नहीं मिला। बहुत सारे लोग आपको ये भी बता रहे होंगे रात में जब ये स्मार्टफोन को रखते हो तो आइडियल ड्रेन इशू 10% है, 5% है। देखिए उतना ज्यादा दिमाग लगाएगा तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बस एक चीज जरूर से याद रखिए कि कोई भी स्मार्टफोन अगर एक दिन का भी बैटरी बैकअप अगर निकाल के दे दे रहा है हार्ड कोर यूजर होने के बावजूद भी, तो उसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा। बाकी इसका ड्रेन टेस्ट भी हम करेंगे, ड्रेन टेस्ट करके दिखा देंगे, क्योंकि कंपनी का ऐसा क्लेम है कि ये स्मार्टफोन 2 दिन चल जाता है। अभी तक तो हमने जितना भी यूज किया उस बेसिस पे हमने आपको यहाँ पे बता दिया। जहां तक बात है डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया, और साथ ही साथ आपको 1300 का पीक ब्राइटनेस दिया गया। आउटडोर में जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत ही तगड़ी आपको देखने को मिल जाती है, और इसमें जो पैनल यूज किया गया वो आपको ओलेड वाला पैनल मिल जाती है। जो कलर वगैरह निकल के आ रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। मल्टीमीडिया के हिसाब से भी कोई स्मार्टफोन खोज रहे हो तो ये स्मार्टफोन आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी हमको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। हाँ डिसेंट बोल सकते हो, इस प्राइस रेंज में और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन उतना ज्यादा भी अपरंपार नहीं लगा। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी नो डाउट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, और साथ ही साथ यूट्यूब अगर आप स्ट्रीम वगैरह करना चाहते हो तो वहां पे आपको HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट नहीं दिया गया, आगे कोई देता भी नहीं है। बोलते हैं ना कि अपडेट के बाद मिल जाएगा, आज तक तो हम सुने नहीं किया भाई अपडेट के बाद मिल जाता है, जिनको मिला है तो वो भी हमको बताइए ना एक बार आके जरूर से। स्पीकर की जो क्वालिटी है वो हमको उतना ज्यादा पसंद नहीं है, इस प्राइस रेंज में और भी ज्यादा बेटर हो सकता था। सुनाइए देते हैं स्पीकर की क्वालिटी आपको भी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप का साउंड सुनाई देता है। जो गिफ्ट है ना मेरे भाई, ये एक अलग ही टाइप का अंदर से मोटिवेशन देता है हमको। जब भी थोड़ा सा लाउड और थोड़ा सा ऐसे भरा भरा टाइप का साउंड आता है तो स्पीकर से हमको नोटिसेबल हुआ। और अगर आपको इसको मैनेज करना है ना तो 70-60% पे रखिए, खेला हो जाएगा। बाकी पीछे की तरफ तो कोई ग्लास दिया ही हुआ नहीं, तो प्रोटेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। जहां तक बात है फ्रंट के प्रोटेक्शन के बारे में, तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यहाँ पे यूज किया गया है। जितना भी अभी तक हमने यूज किया है, पीछे का जो पैनल है ना प्लास्टिक वाला, उस पर फिंगरप्रिंट का निशान बहुत ज्यादा आता है, बहुत अजीब लगता है। देखिए अगर आपको कैमरा में दिख पा रहा होगा तो हम आपको दिखा देते कि कितना ज्यादा फिंगरप्रिंट का निशान यहाँ पे आ जाता है। खैर कवर पे ना लीजिएगा तो क्या ही पता चलने वाला है। बात करें कंक्लूजन के बारे में कि हमको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा आंसर हम आपको देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है जो कि आपको बहुत सारे ब्रांड ऑफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको फ्रेम जो है प्लास्टिक का यूज किया गया, जो बैक का पैनल है वो भी प्लास्टिक का यूज किया गया है। और यहाँ पे अगर हम नथिंग ब्रांड के हिसाब से भी चले तो जो नथिंग फोन 1 है ना वो लमसम में 25,000-26,000 रुपए में मिल रहा था, और उसमें आपको ग्लास का पैनल भी मिल जा रहा था, और बहुत सारे फीचर्स अगर आप कंपैरिजन वगैरह भी करोगे ना तो उसमें ज्यादा बेटर मिल रहा था। इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिल रही, तो 24,000 रुपए के हिसाब से हमको लगता है महंगा है। जिन लोगों ने 20,000 रुपए में या फिर 22,000 रुपए के हिसाब से लिया है, उनके हिसाब से ये डील अच्छी हो सकती है। आप किन के लिए स्मार्टफोन है, जिनको सॉफ्टवेयर से थोड़ा मोहब्बत है, जिनको अब लाइन तो कट गया है लेकिन वीडियो तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इस चीज को रैप अप कर देते हैं। टेंशन मत लीजिए, क्या कि काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गर्मी लगे लगे वो लगने दीजिए। तो कहाँ थे हम, हाँ किन यूजर के लिए है, तो जिनको एक बढ़िया UI एक्सपीरियंस करना, जिनको ज्यादा गेमिंग से मतलब नहीं है, ओवरऑल एक अच्छा फोन चाहिए, एक अच्छी बैटरी बैकअप के साथ चाहिए, वो जो है नथिंग फोन 2A जरूर ले सकते हैं। क्या कि देखने में भी अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी इसका अच्छा मिल जाता है, और थोड़ा सा अपडेट वगैरह आ जाए तो यहाँ पे खेला हो जाए। अब अपडेट से याद है कि इसमें ऑलरेडी एक अपडेट आया हुआ है, लेकिन हमने इसको अपडेट नहीं किया, इसलिए नहीं किया ताकि पहले तो पता चले कि ये स्मार्टफोन में कैसा सारी चीज चल रही है। अपडेट से पहले अपडेट कर लेंगे तो पता तो चलेगा नहीं कि इसका कैमरा कैसा है, इसलिए हमने इसको अपडेट अभी नहीं किया है। अब ये स्मार्टफोन को और भी डिटेल में और भी बारीक तरीके से चेक करेंगे, और इसको अपडेट करने के बाद क्या चेंजेस वगैरह हुआ, और लंबे समय तक ये स्मार्टफोन को यूज करने के बाद हमारा क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें भी उस वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लिए, क्या कि वीडियो जो है ना आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है नीचे डाल दीजिएगा, वो भी कवर करके देते हैं, ठीक है। ख्याल रखिए आप सभी अपना।